नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे खास बुलेटिन आपके शहर की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। भोपाल में पार्किंग माफिया को लेकर एनडीटीवी ने खबर दिखाई थी, जिसके बाद पार्किंग माफिया के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि एनडीटीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी, जहां पर पार्किंग माफिया किस तरह से लोगों से वसूली कर रहे थे, अवैध वसूली कर रहे थे, और जिसमें नगर निगम के कर्मचारी भी मिले भगत दिखाई दे रही थी। अब उस पर यहां पर कार्रवाई होती दिखाई दी। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, अवैध तरीके से पार्किंग वसूली के खिलाफ खुद एडिशनल डायरेक्टर नगर निगम मैदान में उतरी हुई हैं निधि सिंह, और कई अवैध तरीके से वसूली करने के खिलाफ उन्होंने खुद ने अभियान छेड़ रखा है भोपाल में। और ये कोर्ट परिसर है जहां पर हमने खबर दिखाई थी कि अवैध वसूली किस तरीके से होती है। मैडम खुद कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही हैं। तमाम अधिकारियों को उन्होंने लताड़ लगाई है और खुद मैदान में उन्होंने मोर्चा संभाला है। ये तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें हैं। आप अवैध वसूली करते हैं? नहीं, मैं सर तो बाहर की तरफ। आप हमारे कैमरे में? जी जी, बाहर की तरफ से हूँ। कल आपसे मुलाकात हुई थी हमारी। जी, आपने हमसे पैसे लिए? मैंने नहीं लिए थे सर। देखो, नहीं आपने बताया था मैं नगर निगम की तरफ से। नहीं नहीं, मैं नहीं था। आप क्या, मेरे पास वीडियो है, तस्वीर है। कल आप आए थे ना, मैंने बोला था बाहर की तरफ से। नहीं, आपने बोला नगर निगम? नहीं नहीं सर, मैंने नहीं। पंकज शर्मा की पार्किंग बताई? नहीं नहीं, मैंने, हाँ हाँ, मैंने खुद बोला था। कल रिकॉर्डिंग की थी आपके पास, मैंने खुद बोला था मैं बाहर की तरफ। नगर निगम से? नहीं, ये बाहर की तरफ से हूँ। तो यहाँ नौकरी कर रहे? नहीं तो गाड़ी हम आता हूँ, मेरी तो यही ड्यूटी है ना। पूछो नगर निगम अध्यक्ष साहब से, बोल लो मेरी यही ड्यूटी है। तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं जहाँ पे मौजूद है, और ये तस्वीरें हैं जो यहाँ पे युद्ध स्तर पे पार्किंग, अवैध पार्किंग के खिलाफ जो है मोर्चा छेड़ा हुआ है नगर निगम भोपाल ने। ये पूरी पार्किंग जो है अवैध है, और तस्वीरें आप देख सकते हैं, खुद एडिशनल कमिश्नर है यहाँ पर पहुँची हुई हैं, जो पार्किंग के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। और उन्होंने ना सिर्फ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की हैं, बल्कि कई जो लोग हैं उनको पकड़ा है। और बात करेंगे हम एडिशनल डायरेक्टर निधि सिंह से, और पूछेंगे कि आखिर क्या है। मैडम आज कार्रवाई करने निकले हैं आप पूरे? जी, कमिश्नर साहब के निर्देश के अनुसार ऐसी खबर मिल रही थी कि अवैध वसूली हो रही है, तो उनके निर्देश के अनुसार हमने सोचा कि हम जाके खुद चेक करें, क्योंकि हमने कई बार जेडोस को भी बोला है, टीम को भी बोला है, बट कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट आ नहीं पा रहा था। इसलिए आज मैंने खुद चेक किया और शिकायत सही पाई गई, अवैध वसूली हो रही है। उसमें अभी हमने एक नगर निगम के भी कर्मचारी को पकड़ा है, और एक जो अवैध वसूली कर रहा था उसको भी पकड़ा है। सर मैडम क्या क्या देखा आपने, कितने लोग थे, क्या था? मुझसे तो एक आदमी ने पैसे मांगे थे, और शायद जितना मैं समझ पा रही हूँ 4-5 लोग तो थे, और हमारे जो नगर निगम के भी दो कर्मचारी हमने लगाए हैं, उनके शायद सहमति से हो रहा था, क्योंकि जब मैं बाद में वापस आई तो हमारा नगर निगम का कर्मचारी ही आ गया, वो पैसे मांगने लगा, उसने दूसरे वाले को भगा दिया। मैडम हमने भी ये खबर दिखाई प्रमुखता से, टेस्टिंग किया था, आपको बताया था, क्या इस पूरे मामले में अभी तक निकल गया? नहीं, अभी तक ये निकल गया है कि जो शिकायतें हैं वो है तो सही, बस वही है कि उनको कंट्रोल करने के लिए मतलब काफ़ी टीम चाहिए होती थी, इसीलिए आज कमिश्नर सर ने बोला कि मैं खुद जाके देख कर आऊँ, और वो सही पाई गई है। तो अब इस तरह की कार्रवाइयाँ और भी जारी रहेंगी, तो उससे इसमें थोड़ी कमी आएगी, खत्म है। नगर निगम एडिशनल डायरेक्टर निधि सिंह मैडम, और जो खुद मैदान में उतरी हुई हैं अवैध पार्किंग के खिलाफ और पार्किंग माफियाओं के खिलाफ। अभिषेक के साथ अजय शर्मा, NDTV भोपाल। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बस्तर में बने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे। हालांकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना होने से अभी हॉस्पिटल में इलाज शुरू नहीं हो पाया है, और इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अधिकारियों और डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, बस्तर सांसद महेश कश्यप, चित्रकूट विधायक विनायक गोयल के साथ सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे, और इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी मंत्री मौजूद रहे। अब इस पर आगे की चर्चा होती हुई नजर आएगी।
खबर खंडवा से है, जहां भेड़िये के दहशत का मामला सामने आया। बताते चले कि भेड़िये ने ग्रामीण पर हमला किया है। मामला जिले के खालवा तहसील के मलगांव का बताया जा रहा है। भेड़िये ने आधी रात को घरों के बाहर सोए लोगों पर हमला किया। घटना में 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें खंडवा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ सभी घायलों का इलाज जारी है। कुछ 4 से 5 लोगों को घायल किया है और उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। उससे सामने यही आ रहा है कि या तो ये वॉल्व हो सकता है या फिर जेकॉल जो होता है वन्यप्राणी। और जो घायल थे वहाँ गांव में मांगीलाल आशाराम, बद्री, शांति भाई और कलाभाई, इन 5 लोगों को घायल किया है, जिनको तत्काल इलाज के लिए हमारा जो खंडवा में मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर लाया गया है और हमारा स्टाफ उनके साथ बना हुआ है। और उनको जो प्रॉपर जो भी के प्रोटोकॉल है उसमें जो रेबीज के इंजेक्शन जो लगाना होते हैं वो लगवा दिए और आगे भी 3 और डोज उनको लगाए जाएंगे। तो इसके लिए भी उनको समझाइश दे दी गई है कि आप टाइम पर उसको इलाज लेने में, और साथ में जो वन्य प्राणी जिसने पैक किया था उसकी भी हम लोग जांच करेंगे कि वर्तमान में वो उसका लोकेशन क्या है, उस पर भी आगे की हम कार्रवाई कर रहे हैं। छतरपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने 2 घंटे के अंदर ही लूट का खुलासा करते हुए लुटेरों को पकड़ लिया है। लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की थी और फरार हो गए थे। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, जहां पुलिस ने 2 लुटेरों जिनमें कुलदीप तिवारी, राजेंद्र पटेल को आतरार को पकड़ लिया है। बताते चले कि पुलिस अब मामले की जाँच में जुटी हुई है। जबलपुर के बरगी इलाके में पैरों से मोमोज बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद बरगी नगर के लोगों ने थाने में ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो इलाके में मोमोज बेचते थे और राजस्थान के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वो पैरों से आटा गूंद कर मोमोज बनाते थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं लोगों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वीडियो जैसे ही थाना प्रभारी के संज्ञान में आया तो तत्काल इसमें पहचान स्थापित की गई। तो वो दोनों व्यक्ति राजस्थान के हैं, वहाँ यहाँ बरगी में आकर ये मोमोज बेचने का धंधा करते थे और तत्काल इनको हिरासत में लेकर इन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और पूरे प्रकरण का एक प्रतिवेदन बनाकर खाद्य विभाग के अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजा गया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सरकारी अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टरों को ड्यूटी के समय प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करने के आदेश हैं। यहां सरकारी डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने की सख्त मनाही है, बावजूद इसके काफी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री खुद कई बार मंच से सरकारी डॉक्टर्स को हिदायत दे चुके हैं, इसके बाद भी सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए रुक नहीं रहे हैं। कहीं भी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हों, मेडिकल कॉलेज से मतलब है कि SGMH या अन्य कहीं के, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या पेरिफेरी के भी जो अपने CSCs हैं, यदि वहाँ के डॉक्टर्स के संबंध में अब हम लोग ये औचक निरीक्षण शुरू करेंगे और औचक निरीक्षण में कोई भी शासकीय नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और इस बात की समझाइश और निर्देश भी सभी को प्रॉपर दिए जा चुके हैं कि उनको जो भी उनके OPD के समय हैं उसमें कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, और औचक निरीक्षण के दौरान जो भी लोग इसमें आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। डॉक्टर साहब आजकल कहाँ देखते हैं? आयुष्मान हॉस्पिटल में। कब से देखते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक? 18 तारीख से इनका स्टार्ट है, तो OPD चालू हो गई है। कितने बजे से बैठ जाते हैं वहाँ का टाइम है 8:30-9 बजे से दोपहर, यानी कि 12:30-12 बजे तक। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ जो कोई पेशेंट आ जाता है तो उनको जानकारी देता हूँ। सब चीज़ें संज्ञान में हमारे आई हैं, लेकिन अभी हम उसका परीक्षण कर रहे हैं, हम उसको हिदायत दे रहे हैं, निर्देशित किया हुआ है, और उस पर फिर हम फिज़िकल वेरिफिकेशन करेंगे सभी के क्लिनिक पे, डॉक्टर्स क्लिनिक पे, और जिस तरीके से जो उन्होंने बोर्ड भी लगा रखे हैं जो गैर नियमों से, वो भी हमें ठीक नहीं है कि प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं है, प्रोफेशन ऐसा है, अपने को आपके पास आते हैं तो वो, उस पर भी हम रोक लगा रहे हैं। और हमारा प्राइवेट प्रैक्टिस पे जो भी अगर सरकारी अस्पताल के टाइमिंग के अंदर अगर कोई भी पाया जाता है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं इस समय संजय गांधी अस्पताल और श्याम सा चिकित्सा महाविद्यालय के ठीक पीछे डॉक्टरों की कॉलोनी में हूँ। यहाँ आप एक बोर्ड देख रहे होंगे, स्थान परिवर्तन, डॉक्टर KD सिंह सर अब आयुष्मान हॉस्पिटल में देखेंगे। इसका सीधा सा अर्थ है यहाँ पर जगह जगह पर डॉक्टरों ने अपने बोर्ड लगा रखे हैं, प्रचार प्रसार होता है, जबकि
कलेक्टर रीवा और डीन सहित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की साफ तौर से हिदायत है, डॉक्टर कॉलोनी में कोई भी बोर्ड नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ जिस तरीके का नज़ारा है उसको देखकर सहज ही कहा जा सकता है इसे डॉक्टरों का आवास न कह के डॉक्टरों की मंडी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। मैं डॉक्टर कॉलोनी के एक दूसरे पोर्शन पर आ गया हूँ। डॉक्टर साहब सुबह घर पर 20 मरीज देखेंगे। ये बोर्ड देखिए, ये बोर्ड है डॉक्टर राकेश पटेल का, MD मेडिसिन संजय गांधी अस्पताल का। कहा जा सकता है आम तौर पर यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं सबका यही हाल है। हमने तो केवल आपको एक दो बोर्डों की वानगी दिखाई जिसमें स्थान परिवर्तन या कुछ विशेष बातों का उल्लेख था। NDTV के लिए मैं जावेद अंसारी। मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश ने तबाही के निशान छोड़ दिए हैं। सड़कें जर्जर हो गई हैं, पुल टूट चुके हैं जो हादसों को दावत दे रहे हैं। उमरिया जिले में मानसून की जोरदार बारिश ने इस बार शहर से लेकर गांव में पानी पानी कर दिया। नदी नालों और तालाबों का जलस्तर बढ़ चुका है तो वहीं कुछ क्षेत्रों में सड़कों का हाल बेहाल है। पाली ब्लॉक अंतर्गत घुनघुटी से माला चुआ जहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बनाई गई पर बारिश के चलते सड़क की हालत खराब है। वसाड़ नदी में जो पुल बनाया गया है अतिवर्षा के कारण पुल के बगल में मिट्टी का कटाव हो गया है जिससे वहां से निकलने वाले वाहन चालक जान जोखिम में डालकर पुल पार करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की पीड़ा को प्रशासन ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया। आज हम खड़े हैं उमरिया जिले के घुनघुटी से मालाचुआ मार्ग पे जहाँ पे बीते दिनों हुई बारिश के चलते यहाँ पे जो प्रधानमंत्री सड़क में जो पुल बनाया गया था उसके बगल में जो मिट्टी का कटाव है बारिश के चलते अति बारिश के चलते जो मिट्टी का कटाव हुआ है उससे कई आने जाने वालों को खतरा बना रहता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो पुल की स्थिति है, ये पूरा पुल के बगल से जो मिट्टी है उसका कटाव हो गया है और यहाँ पे अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारियों को आना जाना नहीं हुआ है। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये मालाचुआ की मार्ग है और इसी घुनघुटी से मालाचुआ की मार्ग है और इसी मार्ग से साइडोल भी ग्रामीणों का आना जाना होता है और यहाँ से लगभग 30 से 40 गांव लगे हुए हैं इस मार्ग से जाते हैं जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली इलाज के लिए जाते हैं वहाँ उनको भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर एम्बुलेंस का आना जाना भी यहाँ से नहीं हो पाता। आप ये देख सकते हैं कि रोड कितनी संकीर्ण हो चुकी है ये मिट्टी के कटाव से जहाँ पे ये पुल बनाया गया है। पुल के बगल में ये जो मिट्टी का कटाव है ये पूरा हो चुका, नीचे खोखला हो गया है और अभी तक शासन प्रशासन इसके मतलब सुधार कार्य में कोई भी पहल नहीं की है और ना ही सुधार कार्य किया गया। आइए हम कुछ ग्रामीणों से भी उनकी राय जानते हैं जिनका आना जाना यहाँ से प्रतिदिन बना रहता है। क्या दिक्कतें जाती हैं? दिक्कत ये है कि आने जाने में जो ये मेन रोड है हमारा घुनघुटी और मुंदरिया पाली जो उमरिया रोड है उसमें आने जाने में दिक्कत हो रहा है। ये क्या पिछले महीने में पानी जो पूरे रात गिरा है उसके वजह से कि गड्ढे हो गया है, यहाँ पे गाड़ी आने जाने में दिक्कत हो रही है। मेन चीज़ तो कहा जाए तो एम्बुलेंस मरीज को ले जाया जाता है तो उसमें दिक्कत जाता है। ये जो पुल भसक गया है बगल से उसके उसमें आप लोगों को क्या? हमको सर आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है, इसमें हमको पुलिया चाहिए बनना चाहिए क्योंकि ये कभी भी भसक सकता है, खतरा हो सकता है। कैसे सर ये जैसे कि आप सबको देख रहे हैं इसमें खाली हम ही बस नहीं चल रहे हैं, जनता भी सब कोई आते जाते हैं। जैसे अभी रास्ता मान लो एक बार बाढ़ आ गई नीचे से खाली हो गई है जमीन, कहीं कोई चढ़ा इसमें भसक गई वो बेचारा तो मर ही जाएगा ना। खतरा बना रहता है और रात में आने जाने का खतरा, वैसे पुल भसक गया है और गड्ढे पड़ गए हैं, कब भसक जाए पता नहीं। डेली का आने जाना रहता है, रात में भी दिक्कत है। अब ये पाली रोड जा रहा है, सडोल भी जाता है सर, बच्चों को भी दिक्कत होना पढ़ने लिखने में, घुनघुटी जाने में थोड़ा सा बचा है सर, अब ये भी ना बन पाएगा तो भसक जाएगा, थोड़ा ही भसक जाएगा सर। डेली का आना जाना है? जी सर डेली का आना जाना रहता है। तो अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आए? अभी सर कोई नहीं आया। अब आने वाले समय में कहीं कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए उसकी जवाबदारी किसकी होगी ये आने वाला समय ही बताएगा। उमरिया से एजाज खान NDTV के लिए।
ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने सेना के लांस नायक के घर को निशाना बनाया और ताला तोड़कर 2.5 लाख रुपए नकद, करीब 17 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। घटना हीरा नगर की है। जानकारी के मुताबिक लांस नायक झारखंड में तैनात है, जबकि पत्नी बच्चों के साथ पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुरानी छावनी में एक घर में चोरी हुआ है, जो फुटेज चेक करने पर ये पता चला कि 5 लोग ये घटना में इन्वॉल्व है। 4-5 लाख के सोने और अन्य जेवरात चोरी हुआ है, उस पर पुरानी छावनी थाने में FIR दर्ज है। पुलिस के द्वारा जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो भी कर चुका है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार की जाएगी और माल का रिकवर किया जाएगा। कटनी के बरगी दाई तट नहर परियोजना में काम करने वाले ठेका कर्मियों को 8 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर कर्मचारी परेशान हैं और कलेक्टर से वेतन दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों से NDTV ने बातचीत की है और उनकी परेशानियों को जाना है। कटनी जिले में बरगी दाई तट जो नहर निर्माण हो रहा है, उसमें जो कर्मचारी है उनको लगातार शिकायतें आ रही हैं कि उनको कई महीने से यहाँ पर पेमेंट नहीं मिला और वो यहाँ पर आज कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। क्या मांगे हैं उनकी, क्या समस्याएं, हम बात करेंगे। 7 वर्षों से रावेंस कंपनी में यहाँ कार्यरत हैं हम लोग, 8 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं दी गई, जिससे हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है सर। तो हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए थे, कलेक्टर साहब मिले नहीं हैं, डिप्टी कलेक्टर साहब मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी कार्यवाही करते हैं, पेमेंट जल्द से जल्द दिलवाते हैं सर। आपको कितना पेमेंट मिलता है? 40,000 रुपये शिफ्ट सुपरवाइजर की पोस्ट में है। कितने महीने से नहीं मिला? 8 महीने से नहीं मिला सर। तो ये देखिए 8 महीने से बता रहे हैं नहीं मिला है, ये बताइए पेमेंट नहीं मिलने से क्या परेशानी हो रही है आपको? सर स्कूल में बच्चे स्कूल में फीस जमा नहीं हो पा रही, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, और आर्थिक तंगी है और घर में राशन पानी सब खत्म हुआ पड़ा है हम लोगों का। अब जाए तो यहाँ कहाँ सर, बताइए कहाँ से आए हैं आप यहाँ काम करने? मैं सर ये कटनी से ही लोकल से हूँ, बाकी और जो लोग हैं बहुत बाहरी भी लोग हैं। ये बताइए आप जो हैं, जब पेमेंट 8 महीने से नहीं मिल रहा है, शिकायत की है आपके अधिकारी और क्या कहते हैं? आश्वासन पर आश्वासन दे ही रहे हैं कि 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा, बराबर आश्वासन ही मिल रहा है, पेमेंट तो मिल नहीं रहा। पूरा परिवार परेशानी में है। कैसे गुजारा चल रहा है? गुजारा सर बस वही कि आश्वासन पे ही है, 1 हफ्ता भी दे देंगे तो सब लोग रुका हुआ है, कैंप में भी बहुत कर्मचारी ऐसे बैठे हुए हैं, खाने के भी परेशानी है, खाने के पे भी आपस तो ये बोल रहे हैं खाना मिलेगा, पैसा मिलेगा, आप लोग बने रहिए, पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, पैसा आपको मिलेगा, बट खाना भी मिलेगा, अभी तो खाना का भी दिक्कत हो गया है। तो देखिए आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन 8 महीने हो गए जिनसे उनके परिवार का गुजर बसर करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जो कर्मचारी, पीड़ित कर्मचारी हैं। हम सर लोको मैकेनिक है, मोहम्मद इकबाल नाम है मेरा, हम बिहार से हैं, यहाँ डेरा लेकर के हैं। अब तो नतीजा ये है कि हम लोग मकान मालिक के बंधक हैं, अगर कोई घर वाला आकर के हमको छुड़ा के ले जाएगा तो हम जा सकते हैं यहाँ से, वरना उन्हें क्या हड़िया वतन धोना पड़ेगा। कारण क्या है? कारण 9वां महीना चल रहा है, वेतन नहीं मिला है, आश्वासन मिलते जा रहा है 2 महीना से, 5 तारीख को मिलेगा, 25 आते 5 को फिर 15 कर देते हैं, फिर 10 आते फिर 15 को 25 कर देते हैं, यही सिलसिला उनका चल रहा है। ये बताइए क्या क्या समस्याएं यहाँ पर, क्या कलेक्टर बोले हैं आपको ये बताइए? सर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, कंपनी के भी अधिकारियों से बस आश्वासन दिया जा रहा है और दिन पर दिन मतलब तारीखें सिर्फ बढ़ रही हैं, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी बस आश्वासन के अलावा कुछ हो नहीं पा रहा है, बस कर्मचारी परेशान है। नहर के अधिकारी क्या कहते हैं? बस डेट पर डेट रख रहे हैं सर। ये गगन जी हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है अधिकारियों, सभी अधिकारियों से बोल चुके हैं, लेकिन तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है और ये तारीख होते होते महीने दर महीने ये सिलसिला 8 महीने का हो चला है और अब उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, NDTV। खबर बीजापुर से है, जहां गर्भवती महिला के लिए सेना के जवान दूत बनकर आए हैं और गर्भवती महिला को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया है। बताते चले कि कमकानार घाट में मेंगाचल नदी का पानी बारिश के चलते बढ़ गया है, वहीं इस दौरान एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई और ऐसे में महिला को अस्पताल ले जाने के लिए सेना को
सेना के जवानों ने मदद की और महिला को अस्पताल पहुंचाया। यहाँ के लोग आज भी नाव के सहारे अपनी नैया को पार लगाने में जुटे हैं। इसका कारण नदी पर पुल का ना होना। हम बात कर रहे हैं बड़वानी की, जहाँ लोग हर रोज किस तरह जद्दोजहद कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बड़वानी जिला मुख्यालय से सिर्फ 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित चीपाखेड़ी गांव, जिसकी नैया नाव के सहारे पार हो रही है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये गांव हर साल बारिश के समय टापू में तब्दील हो जाता है और मुख्य मार्ग जलमग्न होने से गांव का शहर से संपर्क टूट जाता है और लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ चीपाखेड़ी चारों तरफ से टापू बन जाता है। सरदार सरोवर बांध का पानी बैक वाटर चारों तरफ भर जाता है, तो फिर बाद में हमारों को नाव की व्यवस्था हो तो नाव, नहीं तो फिर बाद में नदी में तैर कर आना पड़ता है। और मगरमच्छों का डर बहुत अधिक रहता है और मतलब अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। चीपाखेड़ी गांव जो रोड जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जब भी नर्मदा का बैक वाटर इस गांव को चारों ओर से घेरता है, तब इस गांव के लोगों का शहर से संपर्क टूट जाता है और अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए बड़वानी आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है, जो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक ही उपलब्ध होती है और ऐसे में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है सर आपका? सचिन जोशी। सचिन जी, किस स्कूल में पढ़ाते हैं, कहाँ कर रही है? मैं सर माध्यमिक विद्यालय चीपाखेड़ी में पढ़ाता हूँ और माध्यमिक शिक्षक हूँ। अच्छा सर, बड़वानी से डेली अप डाउन करना पड़ता है? जी जी बिल्कुल सर। अभी कैसे आए हैं? अभी सर हम लोग क्या करते हैं कि जब वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में हमको पानी ज़्यादा आ गया है सड़क पर। जिस पुलिया को हम क्रॉस करते थे उस पुलिया पे अभी पानी है, तो शासन के द्वारा यहाँ पर नाव की व्यवस्था की गई है ताकि शिक्षक और अन्य जनप्रतिनिधि लोग जो आना जाना करते हैं उनका एकमात्र साधन है नाव। चारों तरफ पानी घूम चुका है जी, ये गांव टापू में तब्दील हो चुका है जी, यहाँ पर क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? यहाँ पर सर दिक्कतों को सामना करना पड़ता है, सबसे पहले तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या, क्योंकि मान लो यदि किसी को इमरजेंसी आती है, डिलीवरी आती है या अन्य कोई कारण ऐसा हो जाता है कि बीमारी के लिए व्यक्ति को अस्पताल लेके जाना हो, तो अभी पूर्व में ही कुछ महीने के अंदर एक घटना हुई थी जिनकी मृत्यु हो गई क्योंकि हम समय पर उसको पहुँचा नहीं पाए। लोग पुलिया के लिए जनप्रतिनिधियों के पास भी पहुंचे, लेकिन अभी तक आश्वासन के सिवा ग्रामीणों को कुछ नहीं मिला। नर्मदा के बैक वाटर के चलते चीपाखेड़ी 4 महीने के लिए एक टापू बन जाता है। यहाँ पर चीपाखेड़ी से बड़वानी जाने के लिए सिर्फ नाव का सहारा लेना पड़ता है, वो भी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक के ही उपलब्ध हो रहती है। कभी कोई इमरजेंसी होती है तो नाव का इंतजार करना पड़ता है, कई बार दुर्घटनाएं भी हुई है। हमारे साथ चीपाखेड़ी के कुछ लोग हैं जो नाव से अभी यहाँ किनारे पहुँचे हैं, बड़वानी से आए हैं, इन्हें से पूछेंगे कि इनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? गंगाराम। गंगाराम कहाँ से आ रहे हो? बड़वानी से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? चीपाखेड़ी जा रहे हैं। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? पानी जब बढ़ जाता है, चारों तरफ पानी फैल जाता है, पानी फैल जाता है, हमको पहाड़ी से जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत है हमें। और क्या क्या समस्याएं आती है आपको? समस्या तो रोड की समस्या है हमारी, रोड में दिक्कत। यहाँ पर जो पुलिया है ये डूब चुकी है पानी, सब डूब गए पानी में। इसे बड़ी पुलिया बनाने की मांग की है? बड़ी पुलिया बनाना हमको। क्या नाम आपका? राकेश। राकेश कहाँ रहते हो आप? चीपाखेड़ी। चीपाखेड़ी ये जो बैकवाटर आया है इससे क्या दिक्कत आती है चीपाखेड़ी के लोगों को? इसलिए रोड के कारण दिक्कत आ रही है, समझ।
चारों तरफ पानी फैल गया, चारों तरफ आ जाता, टापू टापू बन गया। कितने महीने टापू में गुजारना पड़ता है आप लोगों को? 5 महीने रहता। 5 महीने किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है आपको? सब समस्या से, मजदूरी करने से भी और डिलीवरी से भी, मरीजों से भी, सबको दिक्कत पड़ती है। क्या चाहते हैं आप लोग? तो ये रोड हमारा बन जाए, इसलिए सिर्फ रोड बन जाएगा तो आपकी सारी समस्या, हाँ, सारी समस्या दूर हो जाएगी। लोग लगातार पुल के लिए आवाज उठा रहे हैं, पर ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। आखिर मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण कब तक तरसते रहेंगे और कब ग्रामीणों की मांग पूरी होगी? NDTV के लिए बड़वानी से मुनाफ अली की रिपोर्ट।